आप कहाँ से आए हैं? डॉक्टर साहब मुझे जो है बहुत अच्छा लगा आकर यहाँ, और आपने मेरे के जो कान में दवाई डाली है उससे मुझे इम्प्रूवमेंट लगी। आप कहाँ से आए हैं? मैं सोनीपत से आया हूँ, हरियाणा से। आपका नाम क्या है? अशोक जैन। देखो अशोक जी, मैं आगे ये रख करके दूर से बात कर रहा हूँ, अभी तो सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ जी। अच्छा लग रहा है ना एकदम? आपको जब आप वहां से चले थे जैन साहब, तो आपको कैसा लग रहा था कि क्या मन में था कि ठीक हो गए कि नहीं होंगे, क्या होगा, यही तो था ना? हो जाएगा, ठीक है, बताइए। अब नहीं, अभी बात ध्यान दो। आप क्या करते हो? धुन में बात करते हो? हाँ जी। धुन में बात नहीं करनी है। हाँ जी। जब बोले कोई सामने वाला तो चुप हो जाओ और सुनो। हाँ जी। फिर जवाब दो। मैंने एक मेमोरी की दवाई दी है, मेमोरी बढ़ जाएगी। अच्छा लग रहा है न? हाँ जी। बहुत अच्छा ना? हाँ जी। पहले बिल्कुल नहीं सुनाई देता था क्या? पहले तो जी मामूली का नाम क्या बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा था। और आपका कितने वर्ष से कान बंद था? 14-15 साल। 15 साल से था। और आज 15 साल से आप दूर से बात कर सकते हैं? हाँ, आज मैं को बढ़िया से बात कर सकते हैं। थैंक यू दीदी। आपका क्या अनुभव है? हाँ, इन्होंने अच्छा ही रिस्पॉन्स दिया है। वेरी गुड। आप इनके क्या लगते हैं दीदी, कौन है ये? ये मेरे जीजा जी हैं। थैंक यू दीदी। मैंने आपको जो दवाई दी है आंखों में, आपको जो आधा मतलब 70% विजन चला गया है, 10% बाकी है, की प्रॉब्लम है। आज आपको यहाँ के पति की ट्रीटमेंट करा के कैसा लगा? मतलब उम्मीद जागी है। हाँ, जागी जागी, क्योंकि आज इनको सुनाई दे रहा है। हाँ, सुनाई दे रहा है, उम्मीद जागी है कि हाँ मतलब ये हो जाएंगे पूरी तरह से। अच्छी जगह पहुंचे हो। हाँ, कैसा लग रहा है? बढ़िया। अच्छा लगा। अच्छा, मैंने आंख की दवाई दी, आंखों में ज्योति आ जाए तो मुझे फोन करना, चिट्ठी लिख के भेजना, और बढ़िया से आशीर्वाद देना, दुनिया को बताना, और लोगों को हैंडबिल भी बंटवाना। ठीक है सर।